श्याम सिंह पेशे से किसान हैं। वो राजस्थान के झालावाड़ जिले के सरोद गांव में रहते हैं। गांव में उनका अच्छा बड़ा घर है, सारे सुख साधन हैं। गांव में श्याम सिंह की कहानी औरों से बहुत अलग नहीं है। सरोद एक खुशहाल और समृद्ध गांव है और खुशहाली की इस कहानी के पीछे हैं ये लहलहाते खेत। कुछ साल पहले तक इस गांव में न तो ये हरे भरे खेत थे और न ही ये सुख साधन। श्याम सिंह और दूसरे सभी किसानों की मेहनत में कोई कमी न थी। अगर किसी चीज की कमी थी तो वो था पानी। बारिश का पानी कब कहां बह जाता था पता ही नहीं पड़ता था। गर्मियां आते आते खेती के लिए तो दूर, पीने के लिए भी पानी की कमी हो जाती थी। धीरे धीरे कुओं में भी पानी बस नीचे ही जा रहा था। 2 साल पहले राज्य सरकार ने 4 वाटर तकनीक पर यहां काम किया। इसमें बारिश के पानी के बहाव के रास्ते में जगह जगह पर छोटे बड़े बंडिंग और टांके बनाए गए। इससे आज गांव के बाहर बारिश का पानी पूरे साल काम में लेने के लिए उपलब्ध है। साथ ही गांव के कुओं में भी पानी ऊपर आया है। जहां कुछ साल पहले तक श्याम सिंह और अन्य गांव वाले मुश्किल से बस खरीफ की एक फसल पैदा कर पाते थे, आज रबी की फसल भी उगाने लगे हैं। गांव में सभी के लिए पीने का भरपूर पानी है। पहले पानी की समस्या बहुत थी। तालाब बनने से भी हमारी समस्या दूर हो गई। जानवरों के लिए, मनकों के लिए पानी की भी समस्या का हल हो गया। वाटर लेवल भी ऊपर आ गई, फसल हमारे दोनों होने लगी। खरपत पैदावार भी बढ़ गई, पहले एक होती अब दोनों होने लगी। तो कोई बात की समस्या नहीं। गाँव घर के हालात में भी बहुत सुधार हो गया। ऐसा पैदावार बढ़ने लगी तो घर की हालात भी सुधर गई। छोटे से तालाब है तो बड़ो हुई तो हाउस हुई था वही माँ के सबकी फसल वगैरह सबकी बढ़िया हुई। अंत ये छोटो तालाब है तो बड़ो हुई तो माँ के डांटा गिड्डा की सबकी हाउ फसल हुई ठीक है। और फसल वगैरह सब सूख गया भैया, हाउ पानी है तो बढ़िया रही। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ न कोई बड़ी नदियां हैं और न ही सतही पानी के बड़े स्रोत। राजस्थान के गांव गांव में पानी की कमी है। बढ़ती आबादी और इंसानी गतिविधियों के चलते पानी के कई प्राकृतिक स्रोत सूख चुके हैं। लगातार दोहन से जमीन में पानी का स्तर गिरता जा रहा है और ऐसे पानी में फ्लोराइड व अन्य पदार्थों की मात्रा बढ़ती जा रही है। आज हर गांव को सरोद जैसे बदलाव की जरूरत है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार की अनूठी पहल है। इस अभियान का उद्देश्य है कि हर गांव अपनी जरूरत के पानी के लिए आत्मनिर्भर हो, अपने पैरों पर खड़ा हो और ये काम राज्य स्तर पर केवल बड़ी परियोजनाओं से न होकर हर गांव में छोटे छोटे निर्माण और अन्य आसान तरीकों से हो। गांव के पास बारिश के पानी के बहने के रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर पर फील्ड बंद और छोटे टांके बनाए जाते हैं। पानी से मिट्टी में होने वाले कटाव
और उपजाऊ मिट्टी के नुकसान को रोका जाता है। पानी के ठहरने से मिट्टी में नमी बढ़ती है और वो अधिक उपजाऊ बनती है। रुका हुआ पानी जमीन में बैठता है तो आसपास के इलाकों में कुओं में भी पानी ऊपर आता है। इसके अलावा एनीकट बांध, जोहड़, खड़िन आदि का निर्माण व कुएं, बावड़ी आदि की मरम्मत करके बारिश के साफ पानी को पूरे साल संभाल कर रखने की व्यवस्था की जा रही है। इस अभियान के पहले साल में 3,500 से ज्यादा गांवों में काम किया जा रहा है। अगले 3 साल में हर साल 6,000 गांवों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। लेकिन ये सब आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। आज राजस्थान के सैकड़ों हजारों गांवों में लाखों लोग इस काम में अपना योगदान दे रहे हैं। लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार इस योजना के लिए आर्थिक सहयोग दे रहे हैं तो इन निर्माण कार्यों के लिए सामग्री व साधन भी उपलब्ध करवा रहे हैं। आइए मिलकर हम अपने हाथों से एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जहां हमारी हर जरूरत का पूरा पानी हो। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत आपके गांव में हो रहे निर्माण कार्यों की जानकारी के लिए पंचायत समिति से या गांव के सरपंच से संपर्क करें। पानी की बचत, पानी की बढ़त। हिंदुस्तान जिंक द्वारा प्रस्तुत।